सुबह सुबह अपने हाथों से बनाए हुए चाय की चुस्की लेते हुए गुड मॉर्निंग फ्रॉम इलाहाबाद। हेलो माय लवली पीपल, दिस इज बिक्शन एंड यू आर वाचिंग सेनो राइडर बिक्स। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:15 और मैं 3 ही उठ गया था। तो बेसिकली कल रात को मैंने 3-3.5 घंटे के आसपास ही सोया है। और बाय द वे गाइस, आप सोच रहे होंगे कि यही टी शर्ट मैं दूसरे दिन भी क्यों पहन रहा हूँ। बेसिकली मेरे सारे कपड़े सैडल बैग के अंदर है और सैडल बैग काफ़ी भारी है। जिस रूम पे ये है होटल के 3rd फ्लोर में, अब उतना भारी सैडल बैग लेके कौन ऊपर आता। मेरी हालत तो आपको पता ही थी कल रात को। ऑब्वियसली चिंता मत करो, दिल्ली जाके सारे कपड़े मैं धो दूंगा। दरअसल बात यह है कि मैं जिस होटल पे रुका हुआ था, मेरे पीछे यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा इशू है, मतलब बाइक अपना वहाँ पे पार्क नहीं कर सकता था और रात के 11 बज गए थे। तो ये हमारे एक भाई मिल गए, इनका नाम है प्रदीप। प्रदीप है ना? प्रदीप, हाँ। तो ये यहीं के रहने वाले हैं, तो इन्होंने काफ़ी मदद की बाइक को, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने घर लेके गए बाइक को, समझो कि वहाँ पे पार्क करके फिर आज सुबह 4 तक ये जागते रहे, फिर अभी उठ के बाइक में लेके आया घर से, तभी अभी जाके ये सोएंगे, ठीक है। तो बहुत मदद की भाई ने यार, थैंक यू सो मच यार। नॉर्थ इंडिया का कोई भी ट्रिप बना, इलाहाबाद तो रुकना ही है। तो प्रदीप से फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे और एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र बने, यहीं के रहने वालों, रवि प्रताप मौलिया। अच्छा, तो ये भी हमारे सब्सक्राइबर बन गए अब, बहुत बढ़िया है। चलो यार, आपको जाना है, उतरेंगे उसके बाद लेफ्ट। ठीक ठीक, चलो चलो मिलते हैं फिर अगली बार। लवली पीपल, टाइम अभी हो रहा है सुबह के 5 हम निकल रहे हैं यहाँ से, इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज से। बेसिकली इस जगह का नाम है जॉनसन स्ट्रीट, और जहाँ पे मैं रुका था एग्जैक्टली उस जगह का नाम है कुछ विवेकानंद मार्ग। बहुत बढ़िया लोग हैं, खाती दड़ी बहुत अच्छी की, बाइक क्या ध्यान रखा उन्होंने, यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। बाय द वे, कल मैंने चलाया था 827 किलोमीटर्स, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ पहले, तो आज का किलोमीटर का पता लगता जाएगा। मेरा इरादा था कि और थोड़ा सा जल्दी निकलने का, क्योंकि आज मुझे जाना है दिल्ली। दिल्ली यहाँ से होगा कुछ 700 किलोमीटर के कुछ आसपास, तो शायद थोड़ा जल्दी निकलता तो अच्छा होता। शायद यही होगा, हाँ यही है इलाहाबाद स्टेशन। इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो चुका है, 5-6 साल से ज़्यादा ही हुआ होगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी किसी को तो पता ही नहीं होता कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। आप गूगल में भी चेक करके देखोगे, उसमें भी आएगा वही प्रयागराज, इलाहाबाद हटा दिया गया है। यमुना और गंगा नदी की संगम यहीं पे होती है, इसीलिए इस जगह का नाम है प्रयागराज। ये रहा हमारा फ्लाईओवर हरिद्वार कानपुर। क्या क्या लिखा हुआ है फ्लाईओवर पे, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये लो, मिर्ज़ापुर। ओह मिर्ज़ापुर, क्या बात, वाराणसी। एनीवेज मैं मिलता हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद हाईवे पे। काशफुल, सब काशफुल है। बंगाली में इसे काशफुल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, पता हो तो बताओ। बंगालीज के दुर्गा पूजा के समय ये काशफुल होते हैं, तभी ये फूल उगते हैं। चारों तरफ काशफुल, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत दूर दूर तक काशफुल ही काशफुल है, सब काशफुल है, ये सब काशफुल। 5 निकले, 7:40 हो रहे हैं और मैंने सिर्फ 132 किलोमीटर्स कवर किए हैं। वाह वाह, क्या बात है बिक्सन भाई, क्या बात है, क्या। कोई चिंता नहीं, आराम से जाएंगे, एकदम आराम से, हिलते दुलते खेलते हंसते। कानपुर, कानपुर कितनी दूर, अरे वाह, कानपुर कितनी दूर। तो टाइम हो रहा है अभी 8:30 और मैंने 179 किलोमीटर्स चला लिए अपनी बाइक,
अभी कानपुर आने वाला है, लेकिन कानपुर में कुछ ख़ास काम है। ख़ास काम बोले तो मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त से मैं मिलने वाला हूँ, उसको अभी अभी फ़ोन लगा मैंने सरप्राइज़ देने के लिए। बेसिकली है वो कानपुर से ही, लेकिन मैं जब चेन्नई में था तब से हमारी दोस्ती है, तो मैं उसके दिए हुए पते पर जा रहा हूँ जो कि यहाँ से है 8-9 किलोमीटर दूर। अच्छा ना उन्हीं तो बोल रहे रखते। तो ये रहा मेरा दोस्त जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। भाई कितने दिन बाद मिल रहे हैं भाई। हाँ अच्छा दुर्गा पूजा, वाह सुपर। তাহলে মায়ের দর্শন হয়ে গেল। হ্যাঁ তুই কি ভাবছিস, মা ছেড়ে দেবে তোকে? তুই কালীবাড়ি বলছিস না? হ্যাঁ দিল্লি যাচ্ছে কালকে, কলকাতা থেকে বেরিয়ে সোজা এলাহাবাদ পৌঁছে যাচ্ছে একবারে। শ্রী শ্রী চাকেড়ি কালীবাড়ি, চাকেড়ি চাকেড়ি আচ্ছা। ওটা কিছুদিনের জন্য টেম্পোরারি ছিল। ইয়ে হ্যাঁ মোহন খাস্তা কানপুরকে বহুত ফেমাস, আর ইয়ে রাহা মেরা দোস্ত দীপ রঞ্জন, ইয়ে ভি কানপুরকে বহুত ফেমাস। নেই খাস্তে কে বারে মে কুছ বতা রহে থে, ও বতাও, নেই ও বতাও কানপুর কে, কানপুর খাস্তে কে বারে মে কুছ বতা রহে থে। কানপুর কে খাস্তে কে বারে, হ্যাঁ খাস্তে, কানপুর কা খাস্তা বহুত ফেমাস হ্যায় ভাই, আর ইয়ে মোহন খাস্তা, ইয়ে মোহন খাস্তা হ্যায়, ইয়ে মোহন খাস্তা, মোহন খাস্তা হ্যায় বহুত ফেমাস, কম সে কম পিছলে 60 সালো সে চল রহা হ্যায়, আর ইসকা 3 ব্রাঞ্চ হ্যায়, সারা ব্রাঞ্চ ঠেলে পর হ্যায়। ও বহুত মস্তি কর রহে, 3 সাল বাদ মিলে হ্যায়, কাফি নেই, ছোড়না থোড়ি না, কাফি নেই। ইডলি খা রহে থে সাথ মে, আজ খাস্তা খা রহে নর্থ ইন্ডিয়া মে, চেন্নাই মে ইডলি খাতে খায়া করতে থে এক সাথ, अभी खास्ता खाए, अभी कानपुर में। कितने साल, मैं हमेशा कानपुर से गुजरता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बंदे को फ़ोन लगाऊँ और मीट कर लूँ, लेकिन मैं जब कानपुर आता हूँ ये साला होता है साल। लकीली आज मैंने इसका फ़ोन उठा दिया, साउथ में होता है, बैंगलोर में होता है, नहीं तो चेन्नई में होता है, लेकिन लकीली आज आज गलती से मैंने इसका फ़ोन उठा लिया। गलती से फ़ोन उठा लिया, सोचो यार। चलो नाश्ता वास्ता कर लिया, फिर निकालिए। चल চলো, ইট ওয়াজ আ লভলি ফিলিং, লভলি ফিলিং ইয়ার, কতনে দিনো বাদ হাম মিল রহে থে ইয়ার, বহুত বহুত মস্তি হুই, বহুত পুরানি বাতের সাথে হুই। খ্যার জো ভি হো, অভি টাইম হো রহা হ্যায় 10, আর মাই অভি কানপুর সে নিকল কে আগ্রা কি তরফ জা রহা হুম। তো ইয়ে রাহা কানপুর বাইপাস, कार्ड हो जाएगा ना भैया, फुल कर दो फुल। आज के दिन का पहला फीलिंग है ये। अच्छा, सुबह से कल करवाए थे हमने 3 बार, आज ये पहली बार है। भाई इस जगह का नाम क्या है? बाराजूड़। अच्छा ये बाराजूड़ टोल है। अच्छा इटावा कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से काफ़ी दूर है, 110 किलोमीटर, तब तो नज़दीकी है, क्या है उसमें। चलो ये आज के दिन का तीसरा टोल प्लाजा है, जो कि थोड़ा ढंग का दिखा मेरे को, ये थोड़ा सा वेल डेकोरेटेड टोल प्लाजा। और बाकी इलाहाबाद से लेकर के कानपुर तक मेरे ख्याल से 2 टोल प्लाजा मेरे को मिले थे, वो ना के बराबर ही थे। तो फंडा कुछ ऐसा है कि इटावा से मुझे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे लेना पड़ेगा, ये है NH-19, फिर इटावा से मुझे डाइवर्ट होके जाना पड़ेगा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे लेके आगरा की तरफ। और अभी यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिख रहा है मेरे को, मतलब थोड़ा अंदर अंदर पसीना पसीना हो रहा है, बट नॉट अ प्रॉब्लम, एन्जॉइंग द राइड। क्या खूबसूरत नज़ारा, हाईवे देख रहे हो कितना चौड़ा हाईवे है यार, सचमुच इट्स रियली अमेजिंग। यूपी एक्चुअली हाईवे में काफ़ी आगे बढ़ चुका है अभी कुछ पिछले कुछ सालों में से,
ये देखो झांसी, यहाँ से लेफ्ट लोगे तो झांसी पहुँच जाओगे। हम इसी रास्ते से आए थे जब राजस्थान गुजरात करके लौटे थे ना, इसी रास्ते से हम झांसी होके निकले थे। मुझे बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। क्यों पता है? क्योंकि दुर्गा माँ की दर्शन हो गई, समझ रहे हो ना। मतलब मैं आपसे कह ही रहा था कल जब मैं कोलकाता से निकल रहा था कि मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि दुर्गा पूजा के टाइम मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, यानी कि कोलकाता से बाहर जा रहा हूँ। जो मिस कोलकाता में मैंने कर लिया वो मैंने कानपुर में देख लिया। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है बताओ। अलग से फीलिंग हो रही है, पता नहीं यार। दुर्गा पूजा एंड दैट टू इन अनदर सिटी, नॉट इन कोलकाता, वो भी अचानक से प्लान बना। टोल बूथ अहेड, वाओ सुपर, एंटरिंग द हेवन। कितना देना पड़ेगा भैया? 80 रुपए दे दो। 80? कितना किलोमीटर होगा यहाँ से एग्जिट? हाँ हाँ 80 किलोमीटर। अच्छा अच्छा चले भैया, चलते हैं। चलो जी, मिल गई हमें एंट्री, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो हमारी सीनरी तो सुबह से चली है 384 किलोमीटर, और वक्त हो रहा है अभी, क्या वक्त हो रहा है क्या यार इसके घुमा, अच्छा 1:30 बज रहा है। क्या करे एवेंजर लेके एक्सप्रेसवे पे, हम क्या करे, वही तो 80, 90, 100 घुमा फिरा के वही। नहीं नहीं बेबी, तुम मैंने कुछ नहीं कहा, तुम तो बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो। अरे बेकार में कुछ कहूँगा ये रुट जाएगी, फिर तो प्रॉब्लम में आ जाऊँगा मैं। बस के लिए है 80 किलोमीटर्स, कार के लिए है 100 किलोमीटर्स पर आवर, बाइक की तो है ही नहीं। आराम मोड ऐसे चालू करने का, ऐसा हाथ ऐसे रखने का और दाएं हाथ को ऐसे रखने का, बस बैठे रहो आराम से। इसको कहते हैं आराम मोड। इस मोड का नामकरण मैंने किया है, कैसा लगा बताओ। ये देखो, ये भाई साहब और एक मोड बना रहे हैं, वाह, एंड्योरेंस मोड ऑन स्प्लेंडर, क्या बात है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे यहीं पे ख़त्म होता है, लेफ़्ट लेने से जाता है आगरा, जो कि मैं पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन इस बार हमें जाना है दिल्ली, तो मैं जाऊँगा सीधा। एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं कहाँ पे रुकने वाला हूँ। एक्चुअली मैं दिल्ली नहीं, एग्जैक्टली कहाँ जाए तो नोएडा पे रुकने वाला हूँ, और मेरा एक बहुत पुराना दोस्त जो कि नोएडा में रहते हैं, और मेरे चेन्नई वाले दोस्त। अरे क्या इत्तेफाक की बात है ना, सुबह भी मैंने आपसे एक चेन्नई के दोस्त से मिला था, अब भी जिसके घर मैं रहने जा रहा हूँ वो भी मेरे चेन्नई के ही दोस्त है, लेकिन वो भी बंगाली है, तो मैं उनके घर ही रहने वाला हूँ, फिर वहाँ से मैं निकलूँगा उत्तराखंड की तरफ। Driving on Agra Inner Ring Road, Ada wishes you Godspeed. Wow. तो ये Agra Inner Ring Road है, यहाँ की सजावट कितनी अच्छी है ना, कितनी अच्छी तरीके से देखो फूलों से पूरा बगीचा बना के रखे है हाईवे के बीच, एक पॉजिटिव वाइब आता है यार। यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे। यहाँ पे एक फ़ोटो तो बनती है भाई, कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारी सेनोरिता पहली बार आ रही है इस तरफ, फ़ोटो ना ले कैसे हो सकता। ओ भाई, ओ भाई,
चलो फोटो मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम में। यमुना एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा। अच्छा मेरे को 205 का काटना पड़ेगा शायद, देखते हैं। हे भगवान, एक तो मुड़ने में इतना प्रॉब्लम, और ये लोग है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अरे यार घूमेगी। ग्रेटर नोएडा का एक देना। कितना है? 205 ना। लो जी टाइम हो रहा है अभी 3:25 दोपहर के, और हम एंट्री कर चुके हैं ऑफिशियली यमुना एक्सप्रेसवे पे। One eternity later. इस टाइम अभी हो चुका है 4:25, यानी कि ऑलमोस्ट एक घंटा मैं यहीं पे खड़ा था। हड़बड़ी तो है नहीं हमें, तो आराम से निकलेंगे और क्या, आराम से जाएंगे। मैं कहीं भी रहूं है सनम, तुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे प्यार लेकिन नहीं होगा कम। कुछ इस तरह सा चाहिए था। मैं, सेनोरिता और ढलता हुआ सूरज और इतना शानदार हाईवे, प्यार में आ गया मैं तो। प्यार हो गया मुझे यार इन वादियों से, इन सड़कों से, मेरी सेनोरिता से, और ऊपर वो है हमारे सूरज चाचू, सबसे प्यार है। प्यार तो प्यार है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा एंड्यूरेंस मोड पे जाना पड़ेगा। वो कैसे? आइस से। हाँ जी, शांति। ओ माय गॉड, क्या शांति है। नहीं, आप नहीं समझोगे, ये शांति दूसरी शांति है। अगर तुम लॉन्ग राइडर हो तभी समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे रे बाबा। पता है 2012 तक यमुना एक्सप्रेस हाईवे एक लौता एक्सप्रेस वे था इंडिया का, जहाँ पे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन पर किसी भी फाइटर जेट को लैंड करा जा सकता है। 2012 के बाद उसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे का भी नाम शामिल होता है। इस एक्सप्रेस वे पे ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट वगैरह हमें दिख गए। देखो निकाश यानी कि एग्जिट, भोजनालय, प्राथमिक चिकित्सा, मोटेल, शौचालय, ढाबा, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप। एक्सप्रेस हाईवे पे ये तीसरा टोल गेट था। टाइम अभी हो रहा है 6:30। आज के दिन के लिए मैंने अभी तक चलाया है 593 किलोमीटर्स ओनली। मुझे सिर्फ एक ही चिंता है कि नोएडा पहुंचते पहुंचते मेरा पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पे जो फ्यूल मीटर है देखो पूरा लो है, लेकिन मेरी बाइक अभी तक रिजर्व में आई नहीं है। ओके गाइज, शाम के एग्जैक्टली 7:09 हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं अभी एग्जैक्टली एग्जिट पॉइंट पे। ग्रेटर नोएडा के लिए राइट और नोएडा के लिए लेफ्ट। सो दिस इज ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेस वे। थैंक्स फॉर योर विजिट टू ग्रेटर नोएडा। सो गाइज, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जहां पे मैं रहने वाला हूं, और ये रहा हमारा दोस्त पार्था जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। सो गाइज, आई एम डैम टायर्ड, सो लेट्स जस्ट अनपैक एवरीथिंग, आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून। आज डेट है 24 अक्टूबर और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। बेसिकली मैं कल शाम को 7:30 नोएडा पहुंच गया था अपने दोस्त के घर। सो एनीवेज गाइज, कल का राइड बहुत स्मूथ था, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत एंजॉय किया मैंने। 36 आवर्स कोलकाता से नोएडा तक, कवरिंग 1500 किलोमीटर्स, और बीच में कुछ 9 घंटे का ब्रेक लिया था, वो भी इलाहाबाद में। वहाँ पर भी सोया नहीं था, लेकिन ब्रेक तो लिया था। मतलब मुझे अब लग रहा है कि ब्रेक ना लेके मैं वहाँ से निकल जाता तो ही बेहतर होगा शायद। तो पहाड़ पे राइड होने वाली है, प्रॉपर कोई प्लान नहीं है,
बट ऑब्वियसली कुछ प्लान करेंगे अभी बैठ के। और ऑब्वियसली अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और बाजू में बेल आइकन को दबा देना ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन राइट सेल्फ स्टे हेल्दी, बाय बाय। नोएडा का क्लाइमेट देख रहे हो, सुबह के 10:30 बज रहे हैं, अभी भी पूरे के पूरे फॉग है। ये फॉग है या स्मॉग है पता नहीं, स्मॉग मतलब फॉग और स्मोक मिला के होता है स्मॉग।